दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉलम को इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, शीट को इंसर्ट करना, शीट को डिलीट करना और भी कई नए ऑप्शंस के बारे में। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से एंड तक। दोस्तों जिस भी कॉलम के सामने या जिससे पहले हमें कोई भी एक नया कॉलम इंसर्ट करना होता है तो उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ कॉलम पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो नया कॉलम है बन करके तैयार हो जाता है। यदि हम इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक डिलीट वाला ऑप्शन आता है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। अब यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक से अधिक कॉलम बन जाए, यानी कि हम दो कॉलम यहाँ नए बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों कॉलमों को सेलेक्ट कीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो हमारे ये दो कॉलम बन करके तैयार हो गए। आप कितने भी कॉलम बना सकते हैं यहाँ पे, अगर चाहें तो चार कॉलम बना सकते हैं, छः बना सकते हैं, आठ बना सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि ये दोनों कॉलम हमारे एक्स्ट्रा हैं, इनको हमें हटाना है, तो आपको दोनों कॉलमों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ये डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये दोनों कॉलम हमारे यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। अब हम यहाँ एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया एक नई रो बन करके हमारी तैयार हो गई। अब हम इसके बाद में यहाँ चाहते हैं कि अभी यहाँ पे दो से तीन रॉ और बन करके तैयार हो जाएं, तो जितनी भी हम रॉ बनाना चाहते हैं उन रॉ को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया और इंसर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन रॉ और बन करके तैयार हो गई। यदि अब हम यहाँ से दो रॉ को हटाना चाहते हैं तो दो रॉ को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। चार में से कोई सी भी दो रॉ हम हटाना चाहते हैं, एक साथ हटाना चाहते हैं, तो किसी भी दो रो को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया दो रो यहाँ से हट जाती हैं, यानी कि डिलीट हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि इन दो रो को भी हमें हटाना है तो इन दो रो को फिर से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो दोनों रो फिर से हट जाती हैं, यानी कि अब हमारे पास में कोई भी नई रो नहीं है। तो इस तरह से हम जो रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं और रो को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई नई शीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में तुरंत यहाँ पे एक शीट बन करके तैयार हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि एक शीट जो हमारी एक्स्ट्रा बन चुकी है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो शीट है वो डिलीट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम शीट को इंसर्ट भी करा सकते हैं और शीट को डिलीट भी करा सकते हैं। इसके बाद यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो शीट है वो दो नंबर वाली जो है तीन नंबर के पास पहुंच जाए और तीन नंबर वाली दो पर आ जाए, तो यहाँ से हम ये जो तीन नंबर वाली शीट है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो तीन नंबर वाली शीट दो नंबर पे आ जाए और दो नंबर वाली तीन नंबर पे पहुंच जाए, यानी कि हमारी ये सीरियल में शीट लग जाए। तो इसके लिए जैसे दो नंबर वाली शीट है इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया तो ये जो शीट है वो क्रम से लग जाएंगी, यानी ये शीट नंबर वन टू और ये थ्री। इस प्रकार से हम शीट को सीरियल वाइज लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो शीट है इनको सीरियल वाइज भी कर सकते हैं। कितनी भी शीट हम यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं या कितनी भी एक्स्ट्रा शीट है उनको डिलीट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो कॉलम है इनमें से हम मान लीजिए इन दो कॉलम को छुपाना चाहते हैं कि हम इन कॉलमों को सिर्फ हम ही देख पाएँ, बाकी और कोई नया पर्सन है, हमारा कोई इम्पोर्टेंट डाटा है उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं या किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो सबसे सिंपल कमांड है इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके यहाँ पे एक हाइड वाली जो कमांड है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया ये दोनों जो कॉलम है ये हमारे डिलीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए ये जो हमारी रो हैं तीन रो इनको हम छुपाना चाहते हैं तो इनके लिए जैसे ही हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक हाइड वाला ऑप्शन है इसको जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारी ये तीन रो ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाती हैं।
तो इस प्रकार से हम कितनी भी जो हमारे कॉलम हैं या रो हैं उनको हाइड कर सकते हैं, और फिर हम चाहते हैं इनको अनहाइड करें यानी इनको फिर से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये जो कॉलम थे उनको जहाँ सेलेक्ट किया था, उन कॉलमों को मान लीजिए जैसे इन दोनों के बीच में हमारे जो कॉलम है छुपे हुए हैं, हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में हमारे कॉलम है, तो उनको फिर से हम देखना चाहते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ए और डी को। यहाँ जैसे ही हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अनहाइड वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे ये जो कॉलम है फिर से शो होने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारी जो रो हैं, मान लीजिए हमारी ये 4 और 8 के बीच में रो हैं, इनको हम फिर से देखना चाहते हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमने जैसे ही राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक अनहाइड वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये सभी हमारे जो रो हैं वो शो होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉलम या रो को हाइड भी कर सकते हैं या अनहाइड भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।